दानापुर अब काफी हाईटेक हो गया है काफी, और सामने लगी है दानापुर सिकंदराबाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ट्रेवल विद दिलीप में। और अभी हम अगर लोकेशन की बात करें तो अभी हम खड़े हैं सगुना मोड़ के पास में, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है आज, बस यही दिखाना है कि अपना दानापुर रेलवे स्टेशन कितना ज़्यादा हाईटेक हो चुका है। जी हाँ, और पीछे में आप देख सकते हैं ये कोई मॉल बनाया जा रहा है, अगर ये बनकर तैयार होता है तो इसका भी ब्लॉग हमारे चैनल पर जरूर आएगा। चलिए राइड को शुरू करते हैं, और अभी तक का जितना ही वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो है चैनल पर जा दीजिएगा, उसको देखिएगा, लिंक दे देंगे उसका हम। देख सकते हैं अभी सगुना मोड़ वाले रास्ते पे हम चल रहे हैं, और वो रहा आपका सामने संत कैरेंस सेकेंडरी स्कूल। खास नहीं है, पर सोचे कि चलिए राइड कर रहे हैं तो आपको जो है दिखा देते हैं ये अपना संत कैरेंस सेकेंडरी स्कूल है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी तक खुलकर तैयार नहीं हुआ है, और काफ़ी अच्छा है। देखिए स्कूल कब तक खुलता है, अभी तक तो इसका कोई रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है सरकार के तरफ से। और अगला मोड़ का भी है गांधी मैदान से दानापुर रेलवे स्टेशन। लगभग धीरे धीरे परिस्थिति ठीक हो रही है। किसी भी तरह जुगाड़ करके हमने जो है कैमरे को हेलमेट पर माउंट किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको देख सकते हैं इसमें इधर आपको कई सारे बड़े बड़े आपको जो है कमिटी हॉल भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये सड़के की हाल अब काफ़ी अच्छी हो गई है सगुना मोड़ वाले रास्ते की। देख लीजिए, ये लगता है कि कोई बड़ा सा कोई बिल्डिंग बनाया जा रहा है। देख सकते हैं अभी काम चल रहा है इस पर, और ये आपका है रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल जो कि अभी तक नहीं खुला है, और देखिए कब तक यह स्कूल खुलेगा, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। बस पर बस देख सकते हैं सारी बसें जो है खड़ी है, बच्चों के भविष्य पर काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है भाई। सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए और स्कूल को खुलवाना चाहिए। तो फाइनली भैया हम लोग पहुंच चुके हैं दानापुर रेलवे स्टेशन, आप मेरे सामने देख रहे होंगे, और ये है आपका मंडल रेल प्रबंधन कार्यालय DRM ऑफिस। सही भैया, ये है आपका दानापुर का DRM ऑफिस, और सामने रहा आपका दानापुर रेलवे स्टेशन। देखिए दानापुर का रेलवे स्टेशन आपको दिखाते हैं, दानापुर रेलवे स्टेशन। जी हाँ, हम लोग पहुंच चुके हैं भैया, आरा यहाँ से आपको पड़ेगा 43 किलोमीटर, और पटना जो ITI पड़ेगा वो आपको 23 किलोमीटर, और नवतपुर पड़ेगा आपको यहाँ से 14 किलोमीटर, शिवाला पर 4 किलोमीटर, अमीशाबाद 6 किलोमीटर। और देखिए अपना दानापुर रेलवे स्टेशन अब कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कह सकते हैं अरे भैया कह सकते हैं
बदल रहा है काफ़ी कुछ। पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, और अब देखिए आपको जो है फूड ट्रैक आपको मिल जाएगा। और इधर आप गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं, अगर आप एक से दो दिन के लिए अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो आप सामने देख सकते हैं पार्किंग का जगह है, आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है सभी जगह का आपको ऑटो मिल जाएगा, और सामने वो रहा फूड ट्रैक आने का, ये अब कोई दिक्कत नहीं है, सब नया कुछ बना है। और जल्दी ही यहाँ से ये आपका टिकट घर है, ये आपका टिकट घर है, यहाँ से आपको जो है टिकट घर है। और यहाँ पर अगर आते हैं तो थोड़ा सा संभल के आइए, क्योंकि यहाँ पर जो है चोरी चकारी भी काफ़ी ज़्यादा होती रहती है, थोड़ा संभल के आना पड़ेगा। तो फाइनली भैया पहुँचे हैं अभी दानापुर रेलवे स्टेशन, और मेरे पीछे देखिए दानापुर रेलवे स्टेशन, और सामने लगी है दानापुर सिकंदराबाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस। इसका भी जर्नी हम बहुत जल्द करने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म, ये जो है सोनपुर से जो भी गाड़ियाँ आती है वो जो है इसी पर आती है, और इसी के सामने आपको पड़ेगा एक नंबर प्लेटफॉर्म। जी हाँ, एक नंबर प्लेटफॉर्म बनेगा, आप सामने देख रहे हैं वहाँ पर वो आपको पड़ेगा एक नंबर प्लेटफॉर्म सामने, और ये आपका पड़ेगा दो नंबर, उधर तीन नंबर, उधर चार, उधर पाँच, और चार पे खड़ी है दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस। दानापुर अब काफ़ी हाईटेक हो गया है, काफ़ी अच्छा बन गया है, और जल्द ही अपनी जर्नी भी शुरू होगी इसी स्टेशन से। आपको इंतज़ार है कि भैया दानापुर सिकंदराबाद का जो है जर्नी जल्दी से करके दिखाइए, तो जल्द शुरू करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, बस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए।